दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ICICI बैंक के अकाउंट को बंद करने का बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस समझने वाले हैं। अगर आप अपना कोई सा भी अकाउंट ICICI बैंक में बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूं। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे कि अगर हमें ICICI बैंक में अपना अकाउंट बंद कराना है तो उसके क्या क्या चार्ज लगते हैं बंद कराने के, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और इसी के साथ उसमें हमारे लिए फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, जो यहां पर आपका एप्लीकेशन लगेगा वो एप्लीकेशन किस प्रकार से भरना है बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, सारा सारा डेमो प्रोसेस दिखाऊंगा। इसी के साथ यहां पर हम बताएंगे आप लोगों को कि अपने अकाउंट को बंद कराने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्या ये अकाउंट ऑनलाइन बंद हो सकता है या फिर ऑफलाइन बंद हो सकता है, और फाइनली वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट बंद हुआ कि नहीं हुआ। आजकल आप देखिएगा लोग आपको बता देंगे ऊपर ऊपर से कि ऐसा कर लीजिएगा, ये फॉर्म भर लीजिएगा, जमा कर दीजिएगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल डिटेल में समझना पड़ता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। तो चलिए आज समझते हैं इस अकाउंट के बारे में संपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार से हम अपने ICICI बैंक के अकाउंट को बंद कराते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष प्रजापति, मैं आपको बैंक से जुड़ी जानकारी यहां पर लाता रहता हूं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने ICICI बैंक के अकाउंट को कब बंद करा सकते हैं। तो देखो इसकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप इतने दिन के बाद ही अपने अकाउंट को बंद करा पाएंगे, आप कभी भी अपने अकाउंट को बंद करा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान देना कि उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है बैंक की कि अगर आप इतने दिन के अंदर में या इतने दिन के बाद बंद कराओगे तो हम आपसे चार्ज लेंगे। तो चार्ज की बात हम डिटेल में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। अब अकाउंट को बंद कराने से पहले आप लोगों को कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तभी आपका अकाउंट बंद किया जाएगा। जैसे कि नंबर एक चीज यह है कि आपको अपने अकाउंट में चेक करना है कि आपके अकाउंट में कोई माइनस बैलेंस तो नहीं है। जब आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं होता है, यानी कि उसमें पैसा नहीं होता है, और जब चार्ज लगते हैं अकाउंट पर तो बैंक उसको माइनस में कर देता है, तो आपका अकाउंट माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर हो गया है माइनस में तो बैंक से बात करें या फिर उसमें पैसे को डालें। आपका अकाउंट जीरो होगा तभी बैंक बंद करेगा, माइनस वाला अकाउंट बंद नहीं करता है। एक बात का और ध्यान देना कि अगर आपने अपने अकाउंट का कोई चेक देके रखा है किसी को, तो चेक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अकाउंट बंद कराने के चार्ज की। ICICI बैंक में अगर आप अपना अकाउंट बंद कराते हैं तो बैंक आपसे चार्ज भी लेता है। चार्ज कुछ इस प्रकार से है, अगर आप अपने अकाउंट को 14 दिन के अंदर बंद कराते हो तो कोई चार्ज नहीं है, एक साल के बाद बंद कराते हो तो कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आपका अकाउंट यहां पर बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को 15वें दिन से लेकर के 6 महीने के बीच में बंद कराते हो तो बैंक यहां पर आपसे ₹1000 का चार्ज लेगा। वही 6 महीने से लेकर के और 1 साल के बीच में अगर आप अपना खाता बंद कराते हो तो बैंक यहां पर फिर आपसे ₹500 का चार्ज लेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि अगर हमें अपना खाता बंद कराना है तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट में नंबर एक, आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा ब्रांच मैनेजर के लिए अपना अकाउंट बंद कराने के लिए। दूसरा डॉक्यूमेंट लगने वाला है आपका अकाउंट क्लोजर फॉर्म, तो ICICI बैंक का अकाउंट क्लोजर फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। इसी के साथ आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको लगने वाली है। अभी अकाउंट क्लोजर फॉर्म कहां मिलेगा, एप्लीकेशन कैसे भरना है, इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है वो डिटेल में यहां पर आप देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप आकर के इसको पढ़ सकते हैं, यहां पर सारी जानकारी बताई गई है विस्तार से, और इसी में मिलने वाला है आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म और यहां पर एप्लीकेशन का पूरा डेमो फॉर्मेट। एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहां पर आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, यहां पर आकर के देख सकते हैं आप डेमो इसका। एप्लीकेशन आपको एक A4 साइज के पेपर पर लिखना है, जिसमें यहां पर आप ले सकते हैं सेवा में श्रीमान सखा प्रबंधक महोदय ICICI बैंक, जो भी आपका एड्रेस है ब्रांच का वो आप डाल देंगे। इसी के साथ यहां पर आपको लिखना है विषय में ICICI बैंक बचत खाता बंद कराने हेतु, महोदय डाल करके यहां पर आपको लिख देना है, सविनय निवेदन है कि मैं प्रार्थी, अपना नाम डाल देना है। इसी के साथ लिख देना है आपको आपकी बैंक शाखा में मैं एक खाता धारक हूं, जिसका खाता संख्या आपका जो अकाउंट नंबर है वो डाल देना है, अपनी किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण अपनी समस्या को डाल देना है, अपने बचत खाते को स्थायी रूप से बंद कराना चाहता हूं, अतः आपसे सभी ने निवेदन है कि मेरे ICICI बैंक के बचत खाते को स्थायी रूप से बंद करने की कृपा करें, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, धन्यवाद लिख देना है, प्रार्थी के खाते की जानकारी यहां पर लिख देना है, अपना नाम लिख देना है, बैंक खाता संख्या लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, पता लिख देना है, और नीचे आपको अपना नाम डाल करके यहां पर अपने साइन कर लेने हैं और यहां पर आपको डेट डाल देनी है। तो ये सारा प्रोसेस रहा अपने एप्लीकेशन का, और एप्लीकेशन के नीचे ही आपको हमारे आर्टिकल में मिल जाएगा आपका जो अकाउंट क्लोजर फॉर्म है, तो यहां पर देखिए आपको इस प्रकार से आना है और डाउनलोड करें यहां पर लिखा होगा, इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म निकल के आएगा, इसी फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा, यही वो फॉर्म है जिसकी मदद से आपका अकाउंट ICICI बैंक में बंद होगा। अब यहां पर इस फॉर्म को भरना कैसे, इसको देख लीजिएगा एक बार।
सबसे पहले यहां पर आपको अपनी डेट डाल देनी है जिस भी डेट को आप ये अकाउंट बंद करा रहे हैं। इसके बाद यहां पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर छोड़ देना है, ये आपके पास नहीं होगा। यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है इस वाले कॉलम में। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कस्टमर का नाम यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से ये अकाउंट है उनका नाम डाल देना है, ईमेल आईडी आपको अपनी डाल देनी है। इसी के साथ यहाँ पर एक नीचे आपको कॉलम मिल जाएगा और, तो यहाँ पर ये कॉलम तब भरना है आपको जब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। आप उस पैसे को अकाउंट बंद होने के बाद जिस खाते में लेना चाहते हो तो अपने खाते की जानकारी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। पूरा पूरा आप डाल देंगे यहाँ पर, ब्रांच, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नेम। इसी के साथ यहाँ पर आपको बताया गया है वो डॉक्यूमेंट के आपको एक आईडी प्रूफ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइवर लाइसेंस या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना पड़ेगा। नीचे आपको कुछ जानकारी दी गई है डिक्लेरेशन के फॉर्म में, जैसे कि आपके अकाउंट में किसी प्रकार का कोई चेक वगैरह नहीं लगाया हो आपने, तो वही सारी जानकारी मैंने आपको बताई है वही यहां पर आपको बताई गई है कि अगर ऑटो सेटअप वगैरह होगा या फिर कोई ईमेल वगैरह कट रही होगी ऑटोमेटिक तो वो स्थायी रूप से बंद हो जाएगी, तो ये आप पढ़ लेना। अब बात करते हैं अकाउंट को बंद कराने की प्रोसेस की। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म मिल जाएगा वेबसाइट पर, तो आपको वेबसाइट पर जाकर के अपना अकाउंट क्लोजर फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ आपको एक एप्लीकेशन भी लिख देनी है और उसके साथ अपना आधार कार्ड का फोटो को। इसके बाद आपको अपने ब्रांच में जाना है, जो भी आपका ब्रांच है आईसीआई बैंक का, तो कोई सी ब्रांच में आप जाकर के और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। बैंकिंग प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए लगभग हर बैंक अपना अकाउंट बंद करने का प्रोसेस सारा का सारा ऑफलाइन ही रखता है। तो आईसीआई बैंक में ऑनलाइन अकाउंट को बंद आप नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको जमा कर देने हैं। एक बात का यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अकाउंट बंद कराने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप अपना अकाउंट बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक निश्चित कारण आपका होना चाहिए अकाउंट बंद क्यों कर रहे हैं, ये बैंक जानना चाहता है। जब अपना आप एप्लीकेशन भरोगे तो उस समय भी ये आपको डालना पड़ेगा, उसमें मैंने बताया आपको। और इसके साथ यहाँ पर जब ब्रांच में आप जाओगे तो ब्रांच में अधिकारी भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपना अकाउंट क्यों बंद करना चाहते हैं। तो प्रॉपर आपको कोई भी एक कारण हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपको अकाउंट को यूज नहीं करना है, अब दूसरी बैंक में खाता खुलवा लिया है, या फिर आप अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको सर्विस अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, इशू आ रहा है, परेशानी है, तो मतलब कोई ना कोई एक प्रॉपर आपके पास वैलिड रीजन होना चाहिए। जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट आप बैंक में जाकर के जमा कर देते हो तो बैंक से कंफर्मेशन के लिए कॉल वगैरह आ सकता है, तो आप रिसीव कर लेना है। कॉल पर वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं क्या, तो आपको बोल देना है कि यस। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, एप्लीकेशन जमा करने के बाद, 3 वर्किंग डे से लेकर के और 7 वर्किंग डे के अंदर जो आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में वो स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। अब अगर आपने अपना अकाउंट मान लीजिए बंद करा दिया, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम कैसे पता करें कि हमारा अकाउंट बंद हुआ है कि नहीं हुआ। देखो, इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आपका जो अकाउंट है ये बंद हो जाएगा तो आपका डेबिट कार्ड काम करना बंद कर देगा, आप उससे एक बार पैसा निकाल के दे सकते हो। इसी के साथ आप जो अपना एप्लीकेशन चला रहे हो आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल एप्लीकेशन, उसमें भी आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, नेट बैंकिंग भी आप यूज नहीं कर पाओगे, सारा जो डॉक्यूमेंट है डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये यूजलेस हो जाएगा, ये कचड़ा बन जाएगा, तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट काम नहीं करेगा। तो आप इनसे ही पता कर सकते हो इनको यूज करके, या फिर सिंपल सा आप आईसीआईसीआई बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करोगे तो भी आपको वहां जानकारी मिल जाएगी। वैसे बता दूं आपको, कोई भी अकाउंट जब बंद होता है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो कस्टमर के मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे बैंक ऑटोमेटिकली सेंड कर देता है। तो बैंक से आपके लिए एक एसएमएस और मेल रिसीव होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो अकाउंट है ये स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस तरीके से आप अपना अकाउंट बंद करा सकते हैं। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो भी यही सेम प्रोसेस से आप बंद करा सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट बंद कराने का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊं। अगर वीडियो में कुछ छूट गया है पार्ट तो आप कमेंट करिएगा, और किस टॉपिक वीडियो चाहिए आप कमेंट कर देना।